We are going to proceed with our next exercise, that is exercise 5.1. First of all, let us discuss the concept of this exercise. The concept of this exercise to find nth term. Nth term का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको एक sequence दिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. मैंने आपको ये कहा, पहले तो आप देखो ये एक ही है, बिकॉज 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 8 माइनस 6 क्या होगा 2. दिस इज एन एपी. अब मैंने कहा इस एपी की ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इस एपी की आप मुझे बताओ 25th टर्म क्या होगी. या मैंने आपको कहा कि इसकी 50th टर्म क्या होगी. तो जब किसी पर्टिकुलर एपी की कोई टर्म हमें फाइंड करनी होती है तो उसको कहते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ nth टर्म. तो किसी भी एपी की जो nth टर्म होती है, nth टर्म का मतलब इसका जो सिंबल होता है ये होता है an, समटाइम इसको tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ बुक्स में. an tn का मतलब ये है कि अब nth टर्म ऑफ एपी की बात कर रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी. एंड इट्स फॉर्मूला इज a प्लस एन माइनस वन इंटू. अब एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स विच वी फाइंड टू कंप्यूट. लाइक हेयर अगर आपको 25th टर्म इस एपी की फाइंड करनी है कि इस एपी की 25th टर्म क्या होगी, तो एन की वैल्यू होगी 25. तो आप इस फॉर्मूले में एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 25. मीन्स ए 25 विल बी इक्वल टू ए प्लस वैल्यू ऑफ एन इज 25. 25 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2 इंटू 2. ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, दैट इज 2, दिस इज ए. तो ए 25 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2, दैट मेक्स इट 2 प्लस 48 एंड इट इज इक्वल टू 50. अच्छा मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ. से आपको 4 टर्म फाइंड करना, आपको 3 टर्म्स, मैंने कहा था किसी भी एपी की अगर हमारे पास 3 टर्म्स है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो मैंने आपको कहा कि बताओ इस एपी की 4 टर्म क्या हो, तो आपने इस फॉर्मूले में, अब इस फॉर्मूले का यूज करके वी हैव टू फाइंड द 4 टर्म. नाउ माई एन इज इक्वल टू 4, तो इन प्लेस ऑफ ए एन आई विल राइट ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 into d. a is the first term of this ap, that is 2, and 4 minus 1 that is 3 into d. d is the common difference, that is 2. So it is 2 plus 6, that is 8. ab ek cheez aap aur notice karo, jab a 24 tha to 25 minus 1, jaise ki agar aapko a 25 find karna hai to ye kiske equal hoga, a plus 25 minus 1 24d. आपको a 4 फाइंड करना है तो इट इज इक्वल टू a प्लस अगेन n की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 1 3d. ना सिमिलर वे जब आपको a n फाइंड करना है तो आपने लिखा n माइनस 1, तो इसका मतलब जो टर्म आपको फाइंड करनी होती है, लाइक आपको अगर आपको a 50 फाइंड करना है तो अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए इट विल बी a प्लस 49d. उससे आपको a कम करना होता है, क्यों, बिकॉज n माइनस 1 होता है. अब ए 29 फाइंड करना तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, ए प्लस 28d. ए 75 फाइंड करना है तो ए प्लस 74. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ टू फाइंड nth टर्म और पर्टिकुलर टर्म ऑफ गिवन एपी. तो नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज. तो अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.2. देखो अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो फर्स्ट पार्ट में आपको 7, हाँ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, आपको n मीन्स टर्म, आपको n की वैल्यू गिवन है 8, और आपको a n फाइंड करना. अब अगर n 8 है तो इट मीन्स मुझे a 8 फाइंड करना है, मुझे a 8 फाइंड करना है. तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, we know that
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इट मीन्स इन प्लेस ऑफ एन वी विल पुट एट. सो ए एट विल बी इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए इज सेवन, प्लस एन, वैल्यू ऑफ एन इज एट, दैट इज एट माइनस वन. एट माइनस वन मीन सेवन एंड वैल्यू ऑफ डी इज थ्री. सो ए एट विल बी इक्वल टू सेवन प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन. सो ट्वेंटी वन प्लस सेवन दैट इज ट्वेंटी एट. सो वैल्यू ऑफ ए एन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी एट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट वन. It will be equal to 28. Okay. Let's move to the next part. Next part. Value of A is minus 80. Value of B, which we have to find. Value of n is 10 and value of a n is equal to 0. Okay. Now we know that a n is equal to a plus n minus 1 into d. In place of a n, we will put 0. In place of a, we will put minus 80 plus n. In place of n, we will put 10 minus 1. And we have to find the value of d. It's very simple. Minus 18, when shifted to the left hand side, it will be 18. And 10 minus 1 is equal to 90. That makes it D will be equal to 18 divided by 9. So it will be equal to 2. So the value of D will be equal to 2. This is the answer of part 2. Okay. Let's move to the next part. That is part 3. In part 3, value of A, we have to find. Value of D is minus 3. Value of N is 18. And value of A N is minus 3. So again, A N is equal to A plus N minus 1 into D. Now value of A N is minus 5. Value of A, we have to find. N, in place of n we will put 18. It will be 18 minus 1. And in place of d we will put minus 3. So what we will have, minus 5 is equal to a. 18 minus 1, 17. 18 minus 1, 17 into minus 3. 17 into minus 3, that is minus 51. So a will be equal to minus 5. When this minus 51 shifted to the left hand side, it will be plus 51. And 51 minus 5 means 46. So the value of A is 46. This is the solution of third part. This is the solution of third part. Let's move to the fourth part. Again, in fourth part, value of A has been given, that is minus 18.9. Value of D is 2.5. We have to find N. And value of A N is 3.6. While putting all these value in this formula, what we will have in place of A N, it is 3.6. In place of A, we will put minus 18.9 plus N. We have to find the value of N, minus 1 into D. Value of D is 2.5. Value of D is 2.5. Now, when this minus 18.9 shifted to the left hand side, what we will have? 3.6 plus 18.9 is equal to 2.5 into 1, that is 2.5. Minus 2.5. Now 18.9 plus 3.6, it will be equal to 22.5. And when minus 2.5 shifted to the left hand side, it will be plus 2.5. And it is equal to 2.5N. Now 22.5 plus 2.5, that is 25, equal to 2.5N. Now, 2.5n is equal to 25.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 25 अपॉन 2.5। वेल रिमूविंग दिस डेसिमल इन न्यूमरेटर वी विल हैव 10, सो 25 वन्स आर 25 एंड 1 इंटू 10 दैट इज 10, सो द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इन पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, now the next part is part B. Value of A is 3.5, value of D is 0, value of N is 105, and we have to find the value of A n. While applying all these values in this equation, what we will have? We have to find A n. So we will write A n as it is. In place of A, we will write 3.5. Plus, in place of n, we will write 105 minus 1, and in place of d, we will write g. What we will have, a n will be equal to 3.5 plus any term when multiplied with 0, it will be 0. So, a n will be equal to 3.5. A common difference after 0 hai. So, jo aapki first term hogi, कोई भी टर्म आप फाइंड करोगे इट विल रिमेन 3.5 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाई ए एन इज इक्वल टू 3.5। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज, this is a given AP. This is the first term of this AP. And if I compute D, common difference. भाई अब यहाँ आपको given है कि ये AP है, तो आपको इसको check नहीं करना है. There is no need to find A2 minus 1 or A3 minus A2 and then check whether they are equal or not. It is given that this is an AP. आपको directly फिर common difference find करना है. That is A2 minus A1. अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ तो 7 माइनस 10 इट विल बी माइनस 3, राइट। अब आपको कहा जा रहा है 30th टर्म फाइंड करो। जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो आपको देखो ये n की वैल्यू गिवन है 30 और उसके साथ टर्म लिखा हुआ, तो आपको A30 फाइंड करो। 30th टर्म का मतलब वैल्यू ऑफ n इज 30 और टर्म का मतलब आपको A30 फाइंड करना है। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। In place of n, we will put 30, that is A30. In place of A, we will put 10. Plus, in place of n, we will put 30. Minus 1. In place of D, we will put minus 3. So, A30 will be equal to 10 plus 30 minus 1, that is 29 into minus 3. So, it will be 10. Plus minus minus 29 threes are 87. So 10 minus 87 means minus 77. This will be the required answer. So B is the correct option. Not B, minus 77. It's C. Okay. C is the right option. Let's move to the next question. That is part 2. Okay, part 2 is, first term is minus 3, it means A is equal to minus 3. Common difference, that is D, is equal to A2 minus A1, that is minus 1 by 2 minus minus 3, that is minus 1 by 2 minus minus plus 3 by 1.
it will be equal to minus 1 plus 3 to the 6 LCM 2. It will be equal to 5 by 2. The value of D is 5 by 2 and first term is minus 3. Now we have to find 11th term. Means N is equal to 11. And 11th term is we have to find A. Okay. That is A 11. A N is A 11. 11th term aapko find karna. We know that A N is equal to A plus N minus 1 into D. In place of N, we will put this value, that is A 11 equal to A. In place of A, we will put minus 3 plus N minus 1. Value of N is 11, that is 11 minus 1. And in place of D, we will put 5 by. Okay. What will be left? A 11 will be equal to minus 3. 11 minus 1, that is 10 into 5 by 2. 2 ones are 2, 2 fives are 10. Further, A11 will be equal to minus 3 plus 25. Or 25 minus 3, that is 22. The value of A11 is equal to 22. This is the required answer. So the right answer is option B. That is 22. 11th term of this AP will be equal to 22. Okay. Let's go to the next question. That is question number 3. In the following AP, find the missing term in the box. Ye aapki missing term. So, dekho question mein kaha gaya ki ye aapka AP hai. So, agar ye AP hai, to ye aapki first term hogi. Ye aapki second term hogi. Let it be A2. और ये आपकी थर्ड टर्म होगी, दैट इज ए टू, दैट इज ए. तो आपको ए टू फाइंड कर. इन दिस क्वेश्चन आपको ए फर्स्ट टर्म पता है, दैट इज टू, और आपको ए थ्री पता है, दैट इज 26, राइट. एज वी डिस्कस इन द कंसेप्चुअल पार्ट, अगर ए थ्री है, इट मीन्स इट इज ए प्लस 2d. Why? Because an जो होता है वो a plus n minus 1 होता है. n है तो n minus 1. तो अगर 3 है तो 2. And it is equal to 26. Now value of a is 2. It is equal to 26. So 2d is equal to 26 minus 2. That is 24. So d is equal to 12. So we have to find a 2. अब अगर a 3 आपका a plus 2d है, means 3 minus 1. तो a2 क्या होना चाहिए आपका? It will be equal to a plus d. So a is 2 and d is 12. That is 12 plus 2 equal to 14. जो आंसर होगा आपका वो होगा 14. Is it clear? Okay. Well, let's move to the next part. Now here we have to find first term, that is a. A2 is given. We have to find A3 and A4 has been. Okay. So A2 has been given. A2 is equal to 13. A2 means what? It is A plus D equal to 13. That will be first equation. And then A4 has been given. A4 is equal to 3. That is A plus 3D is equal to 3. That is second equation. Now what we will do? Solving 1 and 2. What we will have? A plus D equal to 30, first equation. And A plus 3D equal to 3. That is second equation. We will solve it by elimination method. देखो ये same coefficient है, but sign आपका same है, ये opposite होना चाहिए. तो पूरी equation से minus common ले लें, like minus, तो ये plus है तो क्या होगा? Minus. ये भी plus है तो क्या हो जाएगा? Minus.
what we will have now, a and a will be cancel out, minus 3d plus c, that is minus 2d, and 13 minus 3, that is 10. So it means minus 2d is equal to 10. So d will be equal to minus 5. So d will be equal to minus 5. Now what we will do, put d equal to minus 5 in equation. We can put it in any of these equations, that is in equation 1. What we will have, a plus, in place of d we will put minus 5, it is equal to 13. So a will be equal to 13 plus 5, that is 18. So in place of a we will put 18, right? Now we have to find a3. A3 is equal to a plus 2d. So a is what? A is, value of a is 18 plus 2. In place of d we will put minus 5, that is 18 minus 10. Okay, that is 18 minus 10, it is equal to 8. So a will be equal to 18. And a3 will be equal to 8. This is the required answer of this question. Let's move to the next part. That is third part. Again, in this question, a has been given. This first term has been given, second term is missing, as well as third term is missing. Then fourth term has been given. Now here a is equal to 5. This is the first term. And a4 is equal to 9, 1 by 2. Now a4 means what? A plus 3d. 4 hai to 3 over. Is equal to 9, 1 by 2. 9, 2 is 18, 18 plus 1, it is 19 by 2. Okay. In place of A, we will put 5 plus 3D equal to 19 by 2. Now 3D will be equal to 19 by 2 minus 5 by 1. That is 3D will be equal to, our LCM will be equal to 2. That is 19 minus 2, 5 the 10. So 3D will be equal to 19 minus 10. That is 9 by 2. That is 9 by 2. So D will be equal to 9 by 2. Ye jo 3 hai aapka, ye jab right hand side mein shift hoga, it will be indivisible. Three ones are 3, 3 threes are 9. So D will be equal to 3 by 2. So D kitna aa gaya? Ye aa gaya aapka 3 by 2. Ab aap A2 find kar sakte ho. How? A2 will be equal to A plus D. In place of A, we will put 5. In place of D, we will put 3 by 2. So while taking LCM, it will be 2, 2, 5, 10 plus 3. So it will be equal to 13 by 2. So A2 will be equal to 13 by 2. Okay. So let's find the next term. Now we have to find A3. Now A3 will be equal to A plus 2D. And value of A is, that is 5 plus 2 d. In place of d we will put 3 by 2. Okay. So it will be 5 plus 3 to just 6 by 2. While taking LCM it will be 2. 2 5 just 10 plus 6. So A3 will be equal to 16 by 2. 2 1 just 2, 2 8 just 16. So A3 is equal to 8.
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट टू. Part 4, value of A has been given. We have to find A2. A2 is missing. A3 is missing. A4 is missing. A5 is missing. And then A6 has been given. Okay. So here A is equal to minus 4. And then A6 is equal to 6. A6 is equal to 6. A6 is equal to 6 means what? A plus 5B is equal to 6. The value of A is minus 2. Right? So minus 4 plus 5D is equal to 6. So 5D is equal to 6 plus 4. That is 5D is equal to 10. So D will be equal to 10 by 5. That is 2. Or D is equal to 2. Now we can find the value of A2. A2 will be equal to A plus D. The value of A is minus 4. And value of D is 2. Minus 4 plus 2, that is minus 2. So it is equal to minus 2. Now we have to find A3. So you have A3 aise bhi find kar sakte. A2 plus D. A2 kitna hai aapka? Minus 2. कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू 0. ये जो मेथड है मैं आपको इस पार्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तीन चार टर्म्स फाइंड करने. एक मेथड तो मैंने बाकी के पार्ट्स में आपको बता दिया, सिखा दिया, पर एक मेथड ये होता है कि आप एक टर्म फाइंड कर लो, नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करो. ऐसे अब आपको A4 फाइंड करना है. A4 में क्या करो, A3 में आप डी ऐड कर दो. राइट अब A3 कितना था आपका 0 और D आपका 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया आपका 2, तो आपका A4 आ गया. फिर आपको फाइंड करना है A5. तो A5 क्या करोगे, जो आपका A4 आया है आप उसमें D ऐड करो. A4 इज व्हाट, 2. इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, दैट इज 2. सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. ओके दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट. लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. That is part 3. In part 5, first term is missing. Second term has been given A2. Third term is missing. Fourth term is missing. Fifth term is missing. And again, sixth term has been given. So first of all, A2. A2 is equal to 38. It means what? It means A plus D is equal to 38. And this is the first equation. Then A6 is equal to minus 22. That is A plus 5D is equal to minus 22. This is the second equation. Now what we will do? Solving 1 and 2 means A plus D equal to 38 and A plus 5D equal to minus 20. You can see here coefficient of A are same but with same sign. So we will take negative sign common from this equation. Minus, minus and minus hai to plus ho jayega. What we will have? A and A will be cancelled out. Minus 5D plus D, that is minus 4. 8 plus 2, 10. So, seedha ye kitna ho jayega? 8 or 2, 10. 3 or 2, kitna ho jayega aapka? 5 or 1, kitna ho jayega? 6. So, 60 equal to aage minus 4D. So, D will be equal to 60 by minus 4. And 15, 4 ja 60 hota hai. So, can I say that D will be equal to minus 15? राइट right. अब आप डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर, लेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1.
व्हाट वी विल हैव? ए इन प्लेस ऑफ बी माइनस 15 इक्वल टू 38, तो ए विल बी इक्वल टू 38 प्लस 15 एंड इट इज 53। ए आपका आ गया 53 ए टू। अब आपको ए थ्री फाइंड करना सिंपल है, ए टू में आप डी ऐड कर दो, ए टू कितना है आपका 38, तो डी आपका 15 है, डी आपका कितना है 15। जब आप इसको माइनस करोगे तो 38 माइनस 15 हो जाएगा 23, ये आपका आ गया 23। फिर आपको फाइंड करना है ए फोर, ए फोर सिंपल है। अब आप ए थ्री में डी ऐड कर दो, ए थ्री आपका 23 है, तो डी आपका कितना माइनस 15, 23 माइनस 15 करोगे इट विल बी इक्वल टू 8। देन वी हैव टू फाइंड ए फाइव, ए फाइव में क्या होगा ए फोर प्लस टू, ए फोर आपका कितना 8, इसमें आप डी ऐड करो दैट इज माइनस 15। जब इसमें आप डी ऐड करोगे 8 माइनस 15 दैट इज माइनस 7। सो फर्स्ट टर्म इज 53, थर्ड टर्म इज 23, फोर्थ टर्म इज 8 एंड फिफ्थ टर्म इज माइनस 7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके।